स्टडी विद मी स्लैश अ डे इन माय लाइफ वीडियो। सो बड़े दिन हो गए, मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ नया पढ़ा जाए। आई थिंक आफ्टर फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद जो है मैंने पदार्थ विज्ञान एक बार भी नहीं उठाई थी। आज के आज जो है मैं आई विल ट्राई कम से कम मैं एक चैप्टर जो है ख़त्म कर सकूँ। इसके कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, उनको थोड़ा समझने में समय लगता है, बट दैट्स नॉट रियली बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दैट। तो गाइस बहुत दिन हो गए थे, मैं ना इसी चेयर के ऊपर बैठ बस पढ़े जा रहा था, तो थोड़ा सा क्लमजी हो गया था मेरे लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आज जो जगह है वो पढ़ने की वो चेंज करके देखें। और थोड़ी सी ना बारिश हुई है तो ठंड सी लग रही थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलो आज ऊपर चलते हैं। एज आई सेड अर्लियर, मैं यहाँ पर पदार्थ विज्ञान पढ़ रहा हूँ। तो पदार्थ विज्ञान हमारे फर्स्ट प्रूफ के अंदर एक छोटा सा जो पार्ट होता है, छोटा सा सब्जेक्ट होता है, जो कि मोस्टली बच्चे जो हैं पेपरों के समय ही पढ़ते हैं, एंड एज सेम एज मी, मैं भी वैसे ही पढ़ता हूँ। बट कुछ उसके अंदर चीज़ें हैं जो आयुर्वेद को सपोर्ट करने के लिए हैं, तभी वो सब्जेक्ट लगाया गया है। उनके अंदर कुछ ऐसे ना श्लोक्स हैं जो मैं बताता हूँ कि चरक से लिए गए हैं, तो चरक का जब अपना टेस्ट होता है या पेपर होता है उसके अंदर यूज़ होते हैं, संस्कृत के अंदर यूज़ होते हैं, एंड विद दैट पदार्थ विज्ञान के अंदर यूज़ होते हैं। तो वो चीज़ें जो है हमारे एक MD वाले टीचर हैं एंड उन्होंने हमें पढ़ाया था, वो उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया ना, मैं लिटरली उनकी प्रेज करता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया वो हमें हमेशा याद रहता है। एंड वही चीज़ आई ट्राई टू पास ऑन टू माई जूनियर्स एज वेल, एंड मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी ऑडियंस के पास भी देख कर आऊँ। तो भाई आधे ही घंटे के अंदर जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, और ऊपर से मैंने तो जूते भी डाल रखे हैं। टैंकी की छाँव के अंदर ना यहाँ पर बढ़िया छाँव है, ठंडी ठंडी हवा आती है, तो यहाँ बैठ के पढ़ेंगे हम। एंड लेट्स बिगिन विद दी स्टडीज अगेन गाइस। एक कंटेंट क्रिएटर और एक मेडिकल स्टूडेंट एक साथ होना कभी कभार दिक्कत देता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेरी एक साल की एज एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट की जर्नी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव, मैनेजिंग माई टाइम एफिशेंटली एंड मैनी मोर। बट समटाइम्स हमारी जो पुरानी हैबिट्स होती हैं वो हमें दिक्कत देने लग जाती हैं, वो हमें पढ़ने नहीं देती, या समटाइम्स आपने देखा होगा मैं वीडियो भी नहीं बनाता बहुत ज़्यादा, मेरे जो चैनल है उसके ऊपर एक सडन इंटरवल्स आ जाते हैं वीडियो पोस्टिंग करने के अंदर। ऑल्दो मैं ट्राई करता हूँ कि हर संडे मैं एक ना एक वीडियो ज़रूर डालूँ आपके लिए, ताकि आप भी इंजॉय करें एंड मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करना। बाकी ऑल्सो आपने मेरे फेलियर को भी एक देखा होगा, मेरे चैनल के ऊपर मैंने बहुत बार कहा है, डेली शॉर्ट्स अपलोड करूँ मैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन नहीं कर पाते हैं मैं फॉर मैनी रीजन्स। आई बो डाउन टू दोज पर्सन्स जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, बाकी वो फ्री भी रहते हैं भाई सारा दिन, है ना, हम इतने फ्री नहीं रहते, पढ़ना होता है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है। बट इवन दो मैं एक वीडियो बनाने के लिए फिर भी थोड़ा सा एफर्ट मारता हूँ, लाइक एक सिंगल वीडियो को बनाने के लिए कम से कम, इट डिपेंड्स ऑन द वीडियो, बट मिनिमम मुझे जो है 6 घंटे से 12 घंटे एडिटिंग में लग जाते हैं, मिनिमम है 6 घंटे, तो ऐसा चलता रहता है। आई नो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एक मज़ेदार चीज़ होती है, बट विद दैट एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, साथ ही में मैं खुद एक डॉक्टर बनने वाला हूँ, एक वैद्य बनूँगा, तो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी भी है। तो अब दोपहर के अराउंड 1 बज चुके हैं, मैं ऊपर से नीचे आ चुका हूँ क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी थी,
and let's begin with studies again. So today I am starting with Sanskrit. Sanskrit ke na kuch paribhashaen likhi thi. So I am finding them out from jaise ki Kriya Shreef ki book ho gayi. हमारे पास रचना शरीफ की बुक हो गई एंड उनमें से जो है थोड़ा सा फाइंड आउट करके जो है सभी की मैंने परिभाषा लिखनी है. सो आई एम राइटिंग दैट आउट. सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं रासेतुर्विशेषश्च प्रवर्ततिर्विशेषः रासे. तो जैसा कि आपने देखा कि मैं श्लोक याद कर रहा हूँ. श्लोक याद करने का फायदा ये है कि जब हम श्लोक याद करते हैं और उसके साथ साथ जो है हमारे अर्थ अपने आप याद हो जाते हैं. दे आर लाइक चीट कोड्स. हमारे पास चीट कोड्स हो जाते हैं. हालांकि वो हमारे दिमाग में फीड होते हैं लेकिन उससे हम चीटिंग कर सकते हैं, है ना. अब जैसे मैं ये वीडियो अपने पेपरों के बाद बना रहा हूँ एंड मैं अपने पेपरों का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ना पेपरों के अंदर जितनी इसने मेरी चीटिंग करवाई है, मतलब सीरियसली सच में कह रहा हूँ, मतलब श्लोकों ने जितनी मेरी चीटिंग करवाई है उतना कोई नहीं करवा सकता. अब चीटिंग का वर्ड उसको नेगेटिव सेंस में मत लेना. चीटिंग का अर्थ है यहाँ पर मतलब कि जो मुझे चीज़ें है ना इतनी डिटेल में नहीं समझा सकता था उनको मैंने बहुत ही दो लाइनों के अंदर समझा दिए. एंड बाकी श्लोकों के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल के ऊपर भी डाल रखी है. आई बटन के ऊपर उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं. तो गाइज अभी अभी जो है कॉलेज वाला ने एक और पटाखा फोड़ा है. उन्होंने जो डेट शीट भेजी है ना भाई, कैन यू इमेजिन, एक भी छुट्टी नहीं है भाई. और छुट्टी नहीं है चलो मान लिया, सिलेबस है मान लिया, और उसी दिन ही प्रैक्टिकल भी है भाई. ये देखो नीचे पंजाबी के अंदर लिखा है भाई, कहते 12:30 प्रैक्टिकल है. मतलब भाई क्या ही कहूँ मैं. एक तो ये 4-5 दिन पहले जो है वो भेजते हैं कि भैया आपका जो है प्रैक्टिकल है. दिस वॉज माई लास्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे बिकॉज आई वॉज एब्सोल्युटली डन विद इट. मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, एग्जॉस्टेड था विद एवरीथिंग आई डिड. एंड माई लास्ट मैसेज दैट इफ यू थिंक दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर आपको लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है तो रीज़न यही है कि आप उसे ट्राई करके नहीं देख रहे. आप उसे एक बारी ट्राई करिए, मेरा सजेशन यही रहेगा. आप उसे एक बारी करके देखिए एंड अगर आपको कोई लगता है कि कोई एक टॉपिक है जो आपको बॉदर कर रहा है देयरफॉर कि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है तो उसे अच्छे से पढ़िए. एंड सिट टुडे, आज ही बैठो और आज ही स्टडी करो बिकॉज द ओनली लिमिटेशन आर दोज विच यू क्रिएट इन योर माइंड. एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू कैन इन्फिनाइटली डू मैनी काइंड ऑफ थिंग्स. You can be unstoppable. आपको कोई नहीं रोक सकता. गाइस अब जो है मैं थोड़ा सा वॉक करने आया हूँ अपने ही घर के पास वाले पार्क में. काफ़ी बढ़िया सोसाइटी का पार्क ना, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हैं. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. और अगर आप आयुर्वेद के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर. तब तक के लिए आयुर्वेद के ज्ञान का प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं.